झांसी से तीसरी बार विधायक रवि शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो विधायकों का यहां पे जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है और सभी विधायकों को वहां पे मौजूद रहने के लिए बुलाया गया है। बात करते हैं सर, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, तीसरी बार आपकी विधायक बनकर आए हैं आप? देखिए, मेरे तीसरी बार तो अब की बार योगी मोदी ने बनाया है। निश्चित रूप से योगी मोदी के प्रति इतना आकर्षण था जनता का, इतना विश्वास था कि टिकट मिलते ही तय हो गया था कि झांसी से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि इस देश की आज़ादी के 60 वर्षों तक जिस तरीके से बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई है, जिस तरीके से बुंदेलखंड उपेक्षित रहा, जिस तरीके से लोगों ने अपनी लॉन्चिंग तो बुंदेलखंड से करवाई, कांग्रेस के युवराज की लॉन्चिंग बुंदेलखंड से हुई, लीलावती कलावती के घर भी बुंदेलखंड के दिखाए गए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति तो कांग्रेस सपा बसपा सबने बुंदेलखंड से की, लेकिन बुंदेलखंड की जो भागीदारी होनी चाहिए थी वो बुंदेलखंड की भागीदारी बुंदेलखंड को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब से दिल्ली में मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम को संभाला है, तब से बुंदेलखंड पर उन्होंने नज़र की है और आज बुंदेलखंड को मैं कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर मिला, बुंदेलखंड को हर घर नल योजना मिली, बुंदेलखंड को सिंचाई योजना के साथ साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड मिला। अब बुंदेलखंड के डेवलपमेंट की योजना बुंदेलखंड की धरती पर बैठ करके बुंदेलखंड के लोग ही बनाते हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार? जो है वो आपके क्षेत्र के लोग तो चाहते ही होंगे कि वहां से भी कोई मंत्री बने। नहीं, देखिए, मंत्री बनाना सरकार का प्रिविलेज है तो सरकार अपने हिसाब से विचार करेगी, लेकिन बुंदेलखंड की भागीदारी यदि मजबूत होगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड जो चाहता है वो बुंदेलखंड को हम लोग लेकर के जा पाएंगे। तो अभी फिलहाल आपके यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर था जो सबसे ज़्यादा काम किया इस बार चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ पर जो फैक्टर था वो था गरीब के कल्याण की योजनाएँ। जिस तरीके से सरकार में दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया गया, जिस तरीके से गरीब के कल्याण की योजनाएं, चाहे वो गैस हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, घर हो और उसके साथ राशन हो, जब गरीब के घर तक कुंडी देकर के ये सारी योजनाएं पहुंची हैं, वहीं दूसरी ओर लोग सुशासन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भयमुक्त समाज हो, और भयमुक्त समाज जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी ने दिया था उसके साथ साथ योजनाओं का लाभ जो घरों तक पहुंचा था उसका ये परिणाम निकला कि बुंदेलखंड की पिछली बार 19 की 19 सीटें थीं, इस बार हम लोग 16 फिर से जीत करके आए हैं। तो अभी कुछ काम बाकी है बुंदेलखंड में? नहीं, निश्चित रूप से काम, देखिए, विकास ये अनवरत और सतत प्रक्रिया है, हम काम करते जाएंगे, नए काम हमको दिखते जाएंगे, तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है। चूंकि जो बुंदेलखंड 60 वर्षों से उपेक्षित था तो वहाँ पर अलग से एक फोकस करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस 5 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे झांसी सदर विधायक को, तीसरी बार विधायक बने हैं और बहुत ही स्पष्ट उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से विकास बेहद हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से सतत विकास होता रहेगा। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।